क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स प्लस वन अपान में अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू इन अंडर रूट टू एक्स माइनस वन प्लस सी, जहाँ पे सी अपने पास समाकलन नियतांक है। तो एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं पहले इंटीग्रल को, मान लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स प्लस वन अपान में अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, हम दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टू एक्स प्लस टू अपान में अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। अंडर रूट के अंदर टू एक्स माइनस वन लिखा तो हम लोग भी टू एक्स माइनस वन ऊपर लिखना चाह रहे हैं, इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। इंटीग्रल 2x माइनस वन प्लस में 3, अगर से 3 में से 1 कम कर देंगे तो प्लस में 2 फिर से मिल जाएगा, अंडर रूट 2x माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसे हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस वन अपान में अंडर रूट 2x माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 3 अपान अंडर रूट 2x माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, 2i तो 2x माइनस वन जहां पे लिखा है इसको लिखना चाह रहे हैं तो दूसरे फॉर्म में, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट टू एक्स माइनस वन को लिखना चाह रहे हैं अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट टू एक्स माइनस वन अपान में अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, वन अपान अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो अंडर रूट टू एक्स माइनस वन से एक कम हो जाएगा तो इसके न्यूमरेटर में आएगा टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस 3, इस जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा है इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2x माइनस वन की पावर 1 बाई टू प्लस वन अपान में 1 बाई टू प्लस वन इंटू वन बाई टू, एक्स का कोफिशियंट डिवाइड में चला जाएगा प्लस 3 इंटू टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, इसके डिवाइड में 2 आ जाएगा, 1 बाई टू इंटू टू एक्स माइनस वन इसका हर बराबर करेंगे तो 3 बाई टू आएगा अपान में 3 बाई टू प्लस 3 बाई टू इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वन अपान में 1 बाई टू 1 बाई टू, 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2 से 2 कैंसिल 1 अपान 3 2x माइनस वन की पावर 3 बाई टू प्लस 3 2x माइनस वन की पावर 1 बाई टू। टू आई इज इक्वल टू 1 अपान 3, इसे लिखना चाह रहे हैं 2x माइनस वन की पावर 1 बाई टू का होल पावर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस वन, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान 3 2x माइनस वन अंडर रूट होल पावर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2x माइनस वन। अंडर रूट 2x माइनस वन कामन निकाल लेंगे तो अंडर रूट 2x माइनस वन कामन आएगा, 1 अपान 3 अंडर रूट 2x माइनस वन की पावर 2 प्लस 3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अंडर रूट 2x माइनस वन यहाँ से मिलेगा 1 अपान 3 2x माइनस वन प्लस में 3, यहाँ से 2i इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस वन, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2x माइनस वन अपान में 3 प्लस में 3, अपान में 1 कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा अंडर रूट 2x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन प्लस 9 अपान में 3
9 माइनस 1 करेंगे तो अंडर रूट 2x माइनस 1 अपान में 3 कर लेते हैं, 3 कामन निकालेंगे तो यहां से 2x प्लस 8, 2 कामन निकालेंगे तो यहां से 2i is equal to अंडर रूट 2x माइनस 1 अपान में 3, 2 कामन निकालेंगे तो आएगा x प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 अपान में अंडर रूट 2 अपान में 3 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस में c। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया, i इज इक्वल टू x प्लस 4 अपान में 3 अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा है दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे तो i की वैल्यू x प्लस 4 अपान में 3 अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस c इक्वल टू आ रहा है fx अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस में c। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो fx की जो वैल्यू है वो x प्लस 4 अपान में 3 मिलेगी, तो fx इज इक्वल टू x प्लस 4 अपान में 3। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।